नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत। लॉकडाउन चल रहा है तो सोचा कि बातचीत करते रहें। दो चार चीज़ें हैं। सबसे पहला सफूरा जरगर वाली बात है कि क्या प्रेगनेंसी या गर्भावस्था जो है लड़कियों को या किसी अपराधी को, क्या उसके अपराध को कम कर देता है? इस पर मेरे ही सहकर्मी अनुपम ने काफ़ी अच्छा लेख लिखा है, उसको जाके पढ़िए। फॉलो मत कीजिए उसको, नंबर बढ़ जाएगा उसका, तो उसको जाके पढ़िए, वो काफ़ी अच्छा लेख है। और मूल तर्क यही है कि किस तरह से वामपंथी लॉबी जो है, ख़ास करके इस्लामिस्टों की जो लॉबी है, वो आती है एक्सप्लॉइट करने के लिए एक सिचुएशन को। और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सिचुएशन था CAA वाला मामला, जब रायट्स हो रहे थे इंडिया में, व्हेन देयर वर रायट्स एंड एवरीथिंग वाज बर्निंग अराउंड जामिया के पास जो हुआ, उसके बाद JNU में हुआ 3, 4 और 5 जनवरी को, उसके बाद दोबारा जामिया में हुआ, देन इट हैपेंड इन लखनऊ, मेरठ में होता है, बिजनौर में होता है, लोगों ने देखिल ईच अदर, मतलब सिंपल जो कॉमन सिटीजन्स थे, दे वर शॉट डाउन बाय कंट्री मेड पिस्टल्स, और ऐसे 30 लोग मरे सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और उसके उसी के पैरेलल चल रहा था कि इन सारे जगहों पे जो जो ये छोटे छोटे शाहीन बाग, जो रवीश कुमार का प्रोजेक्ट था ना कि हर शहर में शाहीन बाग होना चाहिए, तो ऐसे बन रहे थे। और उन शाहीन बागों में सफूरा जरगर हो गया, पिंजरा तोड़ की लड़कियां जो जिन पे UAPA भी लगा है, ये सारे लोग, ये लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? दे वर बेसिकली इंसाइटिंग रायट्स। वो सीधा बोल रहे थे कि सड़कों पे आओ, एक गलत चीज़ को, और इस पे काफ़ी बोला जा चुका है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा कि कैसे CAA जो है एंटी मुस्लिम नहीं है, उसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं। उसके बाद जो चीज़ अभी अस्तित्व में आई नहीं है NRC, उसके बाद फिर NPR को, NPR का पर्पस होता है पॉपुलेशन के मूवमेंट के बारे में जानकारी रखना, और कई आंकड़े इकट्ठे होते हैं ताकि स्टेट्स को जो फंड्स एलोकेट होते हैं सेंटर के द्वारा, या स्टेट ही अपने फंड को जो एलोकेट करते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में, तो हाउ टू गो अबाउट इट, वो आइडिया उनको वहाँ से मिलता है। और इन्होंने उस चीज़ को जोड़ दिया कि नहीं, पहले NPR होगा, फिर आपको संदिग्ध के लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फिर आपसे कागज़ मांगा जाएगा, कागज़ आपके पास होगा नहीं, और आपको जो बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। मूल आर्ग्यूमेंट यही था कि मुसलमानों को, 20-22 करोड़ मुसलमानों को भारत से निकाल के कहीं फेंक दिया जाए, यही कह के मुसलमानों को डराया गया। सारे मुसलमान नहीं डरे, कुछ ठीक ठाक दिमाग वाले भी हैं, और उन्होंने भले, हाँ, अपोजिशन उनकी तरफ से उतना मुखर होकर नहीं आया, जितना इन लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, ये जितने नाम मैंने लिए, तो जो व्यक्ति वहाँ पर स्टेज पे जाके इन वल्नरेबल लोगों को, देखिए स्वरा भास्कर की बात करना चाहूँगा, जो अंबानी का भी ऐड करती है, अडानी का भी ऐड करती है और जाके क्या बोलते हैं कि वो मोदी की जेब में बैठा हुआ, यार तुम छोड़ दो ना उसका, ऐड मत करो फिर। तो ये जो बड़े लोग हैं, मतलब बड़े तो उतने हैं नहीं, सफूरा जरगर और ये जो पिंजरा तोड़ की लड़कियां पकड़ी गई उनसे डेफिनेटली बड़े हैं, उनको इन्हीं की शह रहती है, ये लोग उनके चक्कर में जो है जाके वायलेंस को समर्थन देने लगते हैं, और इनफैक्ट लोगों को सड़कों पे आने कहते हैं। वो अभी क्या है, उस पर तो केस हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं, लोग ट्विटर पे काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं अरेस्ट स्वरा भास्कर, ये सब फर्जी की बात है, ये सब होता नहीं है। उसने तो कहा कि वो तो निकल गई, अब ये लोग फंस रहे हैं। अब इन लोगों से पूछा जाएगा कि तुम जो जाफराबाद से महिलाओं को उठा के ले जाती थी शाहीन बाग, जाफराबाद में जो तुमने जहरीले भाषण दिए, जो तुम लोगों को बोल रहे हो कि आओ सड़कों पे उतरो, ये तो तुम 18 साल से कम उम्र की है नहीं, ये लड़कियां जिन पे UAPA लगा है, प्रेग्नेंट हो तुम, तो क्या तुमने ये सोचा नहीं था कि ये प्रेगनेंसी जो है, या तो ये लोग पूरा सोच के चल रहे होंगे कि मीडिया का जो हाल था, आपको याद होगा कि जनवरी, इनफैक्ट नवंबर दिसंबर से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी, और इसमें मीडिया वाले मिले हुए होंगे जो दूसरे धरे के लोग हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और वो सारे कनेक्शंस भी जो है निकल के आएंगे। हाँ, हो सकता है कि वो लोग कोर्ट में ना जा पाए क्योंकि मीडिया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप वो जो बिंदुओं को जोड़ने की बात होती है कि आप कड़ियाँ जोड़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ। शुरुआत में क्या होता है कि
एक लॉबी ने इसको हवा देना शुरू किया, वायलेंस को जायज बताना शुरू किया। अनुराग ठाकुर के द्वारा दिया गया नारा देश के गद्दारों को और पब्लिक बोल रहे हैं गोली मारो सालों को, इस नारे में मुझे एक पैसा वायलेंस नहीं नजर आता, नहीं कोई गलती नजर आती है। गद्दार जो है उसको पक्का गोली मार देना चाहिए या जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, वो एक एक्सप्रेशन है, तो उस हिसाब से उसको देखा जाना चाहिए। एक आदमी नारा लगा रहा था, दूसरा आदमी जो एक्चुअल में गोली मार रहा है, एक्चुअल में लखनऊ के परिवर्तन चौक को जला रहा है, एक्चुअल में मेरठ में 5 लोगों की हत्या कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं जो एक्चुअल में वायलेंस हो रहा है, उसको कमतर बताया गया। और जो कोई बोल रहा है, जो सिर्फ वोकलाइज कर रहा है, वो अपने एंग्स्ट को, एंगर को एक वॉइस दे रहा है और उन लाखों लोगों को वॉइस दे रहा है जो पैसा देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जिनके पैसों से परिवर्तन चौक बनता है, जिनके पैसों से दिल्ली की लाल बस और हरी बस चलती है। इन पैसों से लाई गई सार्वजनिक संपत्ति को, या बशीर घाट में जो 250 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 दिन में फूंक दिया मुसलमानों ने, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने, वो ये लोग के भीतर क्या गुस्सा नहीं आएगा कि ये जो है, और ये कंप्लीटली दिख रहा है, ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत सीधी चीज है कि सारे मुसलमानों के लिए नहीं था ये जो बाहर से 250 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान जो बैठे हुए हैं इंडिया में, उनके अगेंस्ट था और उनको फ्लश आउट करना जरूरी है। 250 करोड़ है, फॉर गॉड से हम ऑलरेडी एक ओवर पॉपुलेटेड स्टेट है, स्टेट का मतलब नेशन स्टेट से यहाँ पे है, एंड देन वी आर लेस ऑन रिसोर्सेस, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारे पास पैसे इतने कम है कि तुम हॉस्पिटल में बना नहीं सकते, तो इस कारण क्या कर रहे हो, कोई टॉयलेट्स दे रहे हो कि कम से कम प्रिवेंशन से वैसी बीमारियां रुक जाएं जो खुले में शौच करने से होती है। हमें इतना 3-5 करके एक एक चीज को एनालाइज करके पॉलिसी मैटर्स में देखना पड़ता है, और यहाँ ये लोग हैं जो संसाधन है उसमें या तो आग लगा रहे हैं या बाहर से आके यहाँ पे बस रहे हैं। इन लोगों को लेकर क्या वृहद जनता में गुस्सा नहीं होगा, और वो गुस्सा किस तरह से प्रतिफलित होगा? क्या उन्होंने कहीं आग लगाया? कहीं आग नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ नारेबाजी की, तलवार लेकर रैली निकले। हाँ, निकाला तलवार लेकर रैली, क्या दिक्कत है उसमें? रैली का परमिशन लेगा, तलवार लेकर रैली निकालो। मतलब तुम कह रहे हो कि कट्टा लेकर निकलो, किसी गोली मार दो, वो ठीक है, लेकिन तलवार लेकर रैली निकालना और कुछ मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग तलवार लेके जाके कुछ कर क्यों नहीं देते? तो इन्होंने प्रॉपअप करना शुरू किया तब से वायलेंस को। इनको तब तक, नवंबर दिसंबर तक, इनफैक्ट जनवरी तक लग रहा था कि हम जो है इसको हवा देंगे, और जनवरी वही समय है जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स प्लान हो रहे थे, क्योंकि जिस तरह से ऑफ इंडिया ने दिखाया और हमारे रिपोर्टर वहां पे गए और जो सबूत हमें वहां पे मिले हैं उससे बिल्कुल मतलब एकदम, वो बोलते हैं एक 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 एक्सप्रेशन है कि चीख चीख कर वो गवाह दे रहे थे, वहाँ पे पड़ी ईंटें, पत्थर के टुकड़े, हजारों मैच बॉक्स, माचिस, एसिड की बोतलें, मोलोटॉप कॉकटेल जो होता है उसका, पेट्रोल बम की बोतल, स्लिंग शॉट्स लगाए हुए हैं, उसके बाद फिर हथियार और गोलीबारी की घटना आपने सुनी हुई, और हिंदुओं को किस तरह से घेर घेर कर विनोद नगर के इलाके में लिंच किया गया, मौजपुर हो गया, जाफराबाद हो गया, तमाम जगहों पर, इन सारी जगहों पे। तो इसकी योजना जो है ये ऑर्गेनिक नहीं था, इट वॉज वेल प्लान्ड एंड प्लान्ड इन एडवांस, ये 2 महीने से चल रही थी, और वही जो जो इन मामलों के जानकार हैं वो बेहतर बताएंगे, लेकिन एक एक नॉविस भी जो जो अनभिज्ञ आदमी जिसको इस तरह का पता नहीं होता है, वो भी जाकर जब देखेगा कि मस्जिदों के छत पे पत्थर है, वो भी जाकर देखेगा कि हर 10-15 घर पे जो है स्लिंग शॉट्स बना हुआ है, गुलेल बना हुआ है, पेट्रोल बम फेंक कर रहा आग लगाने के लिए, मंदिरों को चिन्हित किया जा रहा है, प्रतिष्ठानों को जो दुकान है, जो एंटरप्राइजेज हैं उन पे क्या हुआ कि मतलब 10-20 दुकान का एक एक रो है लगातार, मुसलमान का दुकान बच जाता है, बाकी सब में आग लगा दी जाती है। अरोड़ा फर्नीचर का क्या हाल हो गया देखिए जाके, दिलबर नेगी को याद कीजिए, हाथ पैर काट के उसका जलती आग में फेंक दिया। ये बोलने में जितना बोलने को तो मैं बोल गया, लेकिन वही है कि वो जो इमेजरी है, वो जो तस्वीरें आपके मस्तिष्क में बनती हैं, उसका राख में एक बस्ट है, सिर्फ इतना वाला पार्ट जो है फेंका हुआ और वो भी राख बन चुका है।
आप सोचिए कि वो क्या ऑर्गेनिक था, वो क्या हेट्रेड नहीं है, और इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं इन लोगों का। उसी समय का एक इमरान नाम का लड़का है, वो वीडियो बना के अपील कर रहा है कि इन लोगों को रोक लो, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे जो तुम लोग फिर से ये शाहीन बाग की तरह सड़क को जाम करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बंद कर लो, उसको रोक लो, नहीं तो वहाँ के लोग जज्बाती हैं, फिर ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हो सकता है वो बेचारा अनभिज्ञ रहा हो कि एक कम्युनिटी क्या प्लान कर रही है उस इलाके में, वो शायद जानता हो इसका आफ्टरमैथ क्या होगा, क्योंकि दंगों में सिर्फ हिंदू नहीं मरता, दंगों में मुसलमान भी मरते हैं। जो उस इलाके में ज़्यादा होगा, अगर रिटेलिएशन होगा तो वो भी मरेगा। तो इस कारण उसका कंसर्न जो है वो फेसबुक लाइव कर रहा था, उसको किसी ने नहीं सुना, बाद में जो हुआ आपको दिखा है। तो इसमें जो है किसी की प्रेगनेंसी जो है, वही अनुपम ने बड़ा अच्छा लिखा है, उसको फॉलो कीजिएगा, फॉलो मत कीजिएगा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा। तो उसने लिखा है कि मतलब कल को एक टेररिस्ट जो है कपार फोड़ ले अपना, बोलेगा अरे मेरा माथा फूट गया, माथा फूट गया, तो क्या उसको माफ़ कर दें? तिहाड़ जेल में माशाल्लाह बच्चे पैदा होते रहे, 6 साल के बच्चों तक के लिए वहाँ पर पूरा एजुकेशन का प्ले स्कूल सब कुछ है वहाँ पे, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर कोई है आरोपित, अगर कोई संदिग्ध है जिसने नेशनल कैपिटल में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के आने के साथ उस समय हुए दंगों में उसका हाथ है, दे डोंट डिजर्व टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स, दे नीड टू बी पुट इन जेल, पुट ऑन ट्रायल। और इनको इन पे फिर मुझे याद आता है कि युधिष्ठिर के न्याय का क्या तरीका था, कि जो वर्ण व्यवस्था थी कि ब्राह्मण अगर सेम गलती करता है ब्राह्मण, तो उसको सबसे ज़्यादा मतलब 3 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए सजा, उसके नीचे को 2 गुना ज़्यादा, उसके नीचे को जो है और शूद्र को सबसे कम। क्यों? क्योंकि एक का सोशल पोजिशन जो है वो इतना नीचे है, अगर शूद्रों की हम बात करें, और शूद्र जब मैं बोल रहा हूँ तो नॉट इन द करेंट टर्म्स ऑफ द वर्ड, शूद्र जो उस समय युधिष्ठिर के समय की अगर हम बात करें, शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो उसमें था कि इनका सोशल स्टेटस कम है, ये कम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसी कारण से इनको कम सजा मिलनी चाहिए। और जैसे जैसे आपका इन्फ्लुएंस का सर्कल और आपकी विद्वत्ता, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, लॉ को आप जानते हैं, स्टिल यू आर इंसाइटिंग वायलेंस, देन गो टू हेल। फिर तुम्हें मतलब तुम तो पहले अपनी डिग्री, अपनी बुद्धि, मतलब सब चीज आग में जला दो, किसी काम की नहीं है अगर तुम ह्यूमंस को वायलेंस के लिए उकसा रहे हो। तो यही किया है सफूरा जरकर और तमाम जो भी दमयंती या क्या नाम था उन लड़कियों का, लड़की होने के कारण, मुसलमान होने के कारण, प्रेग्नेंट होने के कारण, नो दीज ऑल थिंग्स डोंट मैटर व्हेन यू आर इंसाइटिंग रायट्स, आर्सन, पीपल आर डाइंग फॉर गॉड से, मरे हैं लोग, तुम्हारे ही मजहब के लोग मरे। तो इन लोगों को तो वही है कि जितने सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं वो सारे सबूत इकट्ठा हों, और इन्हें ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग। और मैं सिर्फ इसी संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, सज़ा का वही कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए। न्याय तभी हो पाता है कि अगर सेम काम एक सेलिब्रिटी कर रहा है तो उनको हार्श पनिशमेंट मिलना चाहिए। सेम फेक न्यूज एक बहुत बड़ी संस्था फैलाती है तो उनको उस तरह से उसी प्रोपोर्शन में जो है सजा मिलनी चाहिए या जो भी माफीनामा उनको जारी करना चाहिए। एक तो इशू ये है, दूसरा इशू है एक फॉल्स इक्विवेलेंट तैयार किया जा रहा है अमेरिकी रायट्स को लेके, अमेरिका में जो हो रहा है और यहाँ जो हो रहा है। एक और वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ राजस्थान में शायद एक पुलिस वाले की झड़प हो जाती है एक आदमी से, उसमें सिर्फ ये दिखाया गया आपको कि पुलिस वाले ने उस व्यक्ति के ऊपर घुटने से जो है वो बैठा हुआ है और उसको ये कर रहा है, फोटो ले लिया। उससे पहले किसी ने नहीं देखा कि उसने ताबड़तोड़ लगातार पुलिस वाले को थप्पड़ मारे हैं, मुक्का मारा है, गाली गलौज किया, ये कोई नहीं देखता है। सिर्फ मतलब उनको चाहिए, जैसे याद होगा ना,
अब आईसीएस वाले जो है एक नारा लगा के बाजारों में फट रहे थे, तो उनको एक इक्विवेलेंट चाहिए था, तो उन्होंने जयश राम को जो है बोल दिया कि जयश राम के नाम पे जो है हिंदू लोग जो है आतंक मचा रहे हैं। जयश राम को आतंकी नारा बनाने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि आतंकियों का एक सर्टिफाइड नारा है जो आईसीएस यूज करता है, तो वहां पर उनको वो पैरेलल चाहिए था। उसी तरह चूंकि यहाँ पे, हाँ मैं पिछले में थोड़ा जो मीडिया का रोल बताना भूल गया कि इन लोगों ने शुरू में पॉपअप किया कि हाँ मतलब मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया में फलाना ढिमका हर जगह कवरेज होने लगा। उसके बाद जो राइट्स हुए वहाँ तक भी ठीक था, वहाँ तक भी इन्होंने बोला कि कपिल मिश्रा जो है राइट्स फैला रहा है। गलती इनसे क्या हो गई, गलती कही या जो कहिए, कि हम लोग जो है राइट्स के तुरंत बाद वहाँ पे चले गए और वहाँ जो दिख रहा था वो सारा कुछ निकल के आ गया। आईबी के बंदे को मार देते हो तुम, आईबी के बंदे मतलब होम मिनिस्ट्री का एक एक बंदा है, उसको खींच लेता है ताहिर हुसैन के बिल्डिंग में। उसके बाद ताहिर हुसैन का 1.3 करोड़ का वो हथियारों का जखीरा जो है उसी इलाके में बांटता है, ये सारी बातें आई हैं। और फारूक फैजल शायद 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने बना ली है, उसका स्कूल जो है राजधानी के, ये सब जब सामने आने लगा तब लोगों ने रियलाइज किया। लोग अभी भी मतलब जो 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 इम्बेसिल एक तरह से कह सकते हैं आप, या फिर जो कॉलेज से तुरंत निकल के आते हैं बच्चे जो गलत हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, वो बच्चे जो है, और एक दो दिन पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि कैसे एक आदमी अपने विचारधारा को चेंज करता है ऑफ इंडिया को लेके, कि उसने लिखा था कि पहले मैं ऑफ इंडिया को सोचता था कि बीजेपी द्वारा आईटी सेल द्वारा संचालित है और हेट्रेड फैलाता है, बट द वे आई सॉ द स्क्यूड नैरेटिव अगेंस्ट हिंदूज इन लास्ट 3-4 ईयर्स, तब मेरा बदलता है इसको देखने का नजरिया कि नहीं, दीज गाइज आर डूइंग अ जॉब दैट शुड हैव बीन डन अर्लियर, पहले से होना चाहिए था। तो वही बात है कि हम किसी के खिलाफ हेट नहीं फैला रहे, हम तो आप तक फैक्ट लेके जा रहे हैं, और वो फैक्ट जिसे अभी तक अनचाहा, अनटचेबल टाइप का, अनटचेबल इन पॉजिटिव वे, अनटचेबल वो अछूत वाला नहीं, अछूत मतलब कि उसको छू नहीं सकते, उसको तुम टच नहीं कर सकते, इतना पावरफुल पोजीशन में है वो, उस तरह से ट्रीट करते आए थे। तो वो सारी चीज़ें जो है अब जब हमने रिपोर्ट करने शुरू की तब लोगों को लगा, अरे इसको मतलब जब रायट शुरू ही हुए थे पत्थरबाजी हुई थी कि लॉबी ने थोड़ा मतलब जल्दी कर दिया उसको, पोग्रोम जिनोसाइड मुस्लिम के अगेंस्ट ये सब बोलने लगे, और जब राइट्स ख़त्म होते हैं और हमारे लोग जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से जब जब एक्चुअल में दिखना शुरू होता है कि डैमेज क्या हुआ और प्लानिंग किस तरह की थी, तब लोगों का नज़रिया बनता है और तब ये वाकई एंटी हिंदू राइट्स 2020 बन के सामने आता है, तब लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा था। तो ये जो मीडिया की लॉबी जो जो तैयारी में लगी हुई थी कि इसको भी हम हिंदुओं के ऊपर ब्लेम कर देंगे, वो जो है फूट जाता है। अब आइए अमेरिका वाले में कि यहाँ पे वही एक फॉल्स इक्विवेलेंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि उधर ब्लैक्स जो है ऑप्रेस्ड हैं, इधर मुस्लिम्स काहे के मुस्लिम ऑप्रेस्ड हैं भाई, एक चीज़ दिखा दो, मतलब किस हिसाब से कर रहे हो कि मुस्लिम्स ऑप्रेस्ड हैं उनके, मैं दलितों का मानने के लिए तैयार हूँ उनके खिलाफ समाज में भेदभाव है, मुसलमानों के खिलाफ कौन सा भेदभाव है यार, उनको हमेशा फर्स्ट क्लास सिटीजन माना जाता है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बने हुए, उनके लिए मतलब हिंदुओं ने जितना सहा है, उनके अत्याचारों को जितना सहा है हिंदुओं ने हिस्टोरिकली और अभी भी, कि मतलब राम मंदिर बनवाने के लिए इस देश में हिंदुओं को कोर्ट में जाना पड़ता है, अयोध्या के राम मंदिर हम पेशेंटली जाते हैं, वो नहीं होता है तुम दंगे की धमकियां देते हैं, करते हो इनफैक्ट कई जगह दंगे। तो मुसलमानों को मतलब किस हिसाब से ऑप्रेस्ड बता रहे हो ब्लैक्स की तरह, दलितों के लिए तो एक बार सोचा भी जा सकता है कि हाँ हुआ है हिस्टोरिकल इनजस्टिस, वो भी पिछले 300-400 साल में जब मुसलमान शासक यहाँ पर बलात्कारी शासक लोग जो थे वो, और फिर क्रिश्चियन जब आए थे वाइट मैंस बर्डन लेके, तो उन्होंने इस देश को कास्ट के बेसिस पे तोड़ा है, बिगाड़ा है, बर्बाद किया है, उससे पहले तो हम लोग ठीक ठाक चल रहे थे, तो उसका ब्लेम हिंदुओं पर कैसे आ जाता है। ये जो है ये ब्लैक लाइव्स मैटर फलाना लाइफ, खाली हिंदू लाइफ मैटर नहीं करता,
इसलिए इस तरह की जितनी बातें हो रही हैं और आप लोग इस तरह की जितनी बातें सुन रहे हैं, तो मेरी अपील आप लोगों से यही है कि इसमें थोड़ा सा जो है बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। चूंकि वहाँ ब्लैक है, यहाँ पे कोई मुसलमान लिख दे रहा है, दैट डजंट प्रूव एनीथिंग, उससे कुछ साबित नहीं होता। वहाँ भी ऑप्रेस्ड है तो यहाँ, अरे भाई वो एक अलग कंट्री है, वो एक अलग समाज है, वहाँ की समस्याएं अलग होंगी। उन लोगों ने ब्लैक्स को भगा दिया था, जो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थे, रेड इंडियंस जिसको बोलते हैं, उन लोगों को, उनकी हिस्ट्री 400 साल की है जब से वो वहाँ पे पहुँचे यूरोपियंस। भारत की हिस्ट्री 400 साल की नहीं है। भारत में बाहर से लोग आए, कन्वर्ट कराया, मारा, बलात्कार किया, लूटा, मंदिर डिस्ट्रॉय किए, और उसी पॉपुलेशन पे तुम जो है ऑपरेशन का भी टैग लगा रहे जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी पॉपुलेशन कम है यहाँ। ये कौन सी बात हुई भाई? ऑपरेस्ट तो हिंदू है जो अपने मंदिर में पूजा करने नहीं जा पा रहा है, जिसके मंदिर को हर उस गवर्नमेंट ने दरकिनार कर दिया, फेंक दिया, उसको फंड वहाँ पे नहीं देते हैं, जिसका मतलब हिंदू जो ट्रेडिशनली उनका वोट बैंक नहीं। तो तुम कहाँ से ये इक्विवेलेंट क्रिएट कर रहे हो भाई? उधर का मैटर अलग है, उधर का पर कैपिटा इनकम पता करो, उधर का डेवलपमेंट पता करो, और यहाँ का देखो। यहाँ की समस्याएं हमेशा अलग होंगी। यहाँ 20 रुपये में भी आदमी दिन भर में गुजारा कर लेता है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ रेसिज्म अलग चीज है, यहाँ पे रेसिज्म नहीं है। इसलिए चूंकि वहाँ काला है तो यहाँ भी एक को ला के जो है बिना काम का एक गिल्ट ट्रिप पे जो है हिंदुओं को भेजने की कोशिश करना, हिंदुओं को ही ये बोला जा रहा है। अभी वो जो चंपू डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा, उन्हें उसने लिखा हिंदुस्तानियों को घुटने पे बैठ जाना चाहिए। काहे बैठे भाई? तुम्हारे बाप ने कुछ किया गलती, अपने बाप को बोलो बैठेगा वहां पे। हम क्यों, पूरा हिंदुस्तानी क्यों जाग करेगा? तुम्हारे मन में चोर है, तुमको लगता है तुम्हारे खानदान में किसी ने बलात्कार कर लिया हो, लूट लिया हो, मंदिर तोड़ दिया हो या मस्जिद तोड़ दिया हो, तुम जाके बैठो ना, तुम बैठो, लेटो, नंगे हो जाओ, हमें क्या, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा है। लेकिन तुम वो गिल्ट फर्जी का, चूंकि यूएस में हो रहा है और तुम्हारी लॉबी जो है बड़ी मुश्किल से एक दंगा करवा पाई दिल्ली में, और वो भी बैकफायर करके तुम्हारे ऊपर ही पड़ गया, तब तुम दोबारा अब हमसे माफी मंगवाना चाहते? किस बात की माफी मांग लें? हम अपने हिंदू होने को माफी मांग लें? हिंदू होना गुनाह है क्या? हाँ, लगता ऐसा ही है, लेकिन वाकई में है नहीं। हम भी उसी लेवल के सिटीजन हैं, हम हमेशा रिसीविंग एंड पे रहे। तुम ये जो ब्राह्मण और दलित फलाना ढिमका कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता है। लोग रियलाइज करेंगे कि दलितों के खिलाफ जब मुसलमान अपराधी होते हैं तब किस तरह से तुम रिएक्ट करते हो। तुम्हें हमेशा चाहिए होता है कि दलित दलित लड़ जाए तो कोई बात नहीं, मुसलमान दलित को मार रहा है कोई बात नहीं, मुसलमान दलित का कन्वर्जन करा रहा है कोई बात नहीं, ईसाई दलित का कन्वर्जन करा रहा है कोई बात नहीं, तब जो है तुम्हें याद नहीं आता कुछ। लेकिन हाँ, उसमें गलती से एक सोशल क्राइम में अगर एक हिंदू आ जाए, हिंदू में भी अपर कास्ट का, तब वो जो है देखो कैसे पीटा जाए। इससे इनकार नहीं है कि दलितों के खिलाफ जो है अपर कास्ट अत्याचार करता है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं है कि उनके खिलाफ अत्याचार मुसलमान भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सब कर रहे हैं। और अगर तुम वाकई रोहित वेमुला जैसों का केयर करते, जो कि बाद में प्रूव हुआ कि वो दलित नहीं था, खैर वो बात अलग है, तो तुम उसे यूज नहीं करते एक सैनिटरी पैड या कॉन्डोम की तरह। तुमने उसे अपने मुद्दे के लिए, तुमने उसे जो है एक एक चुनाव जीतने के लिए, उसी मतलब कॉक्स इन अ व्हील जिसको बोला जाता है, उसी तरह स्पोक्स इन अ व्हील, तुमने छोटे छोटे कांड किए हैं ताकि वो जो है चुनाव में जाके उसका एक 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 वृहद तौर पे फायदा मिले, तो वो नौटंकी नहीं चलेगा। यहाँ की समस्या अलग है, यूएस की समस्या अलग है, तो उस पर हम उसी तरह से उसको एनालाइज करना होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।